असतत श्रेणी वाले आंकड़े। अभी तक हमने जो उदाहरण देखे वे व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े थे तथा आंकड़ों की संख्या कम थी, लेकिन जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तब समांतर माध्य की गणना कैसे करें। कक्षा नवमी की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। यहाँ न्यूनतम प्राप्तांक 30 तथा अधिकतम प्राप्तांक 48 हैं। हम देख पा रहे हैं कि प्राप्तांक 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 तक सीमित हैं, जिनकी ही पुनरावृत्ति हो रही हैं। अतः इन आंकड़ों को इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्राप्तांक x 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 और उनकी बारंबारताएं 6, 5, 6, 8, 6, 2, 2। जब आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हों तब समांतर माध्य की गणना करने के लिए आंकड़ों या प्रेक्षणों तथा उनके संगत बारंबारताओं के गुणनफल के योग को बारंबारताओं के योग से भाग कर देते हैं। सारणी में हम देख सकते हैं प्राप्तांक x, उनकी बारंबारता f, प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणनफल fx, सभी बारंबारताओं का योग समेशन f बराबर 35 है और प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणनफल का जो योगफल है समेशन fx बराबर 1341। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्राप्तांक व उनके संगत बारंबारताओं के गुणनफल का योग बटे बारंबारताओं का योग, यानी कि x बार बराबर f1x1 धन f2x2 धन f3x3 धन f4x4 धन f5x5 धन f6x6 धन f7x7 पूरे के बटे f1 धन f2 धन f3 धन f4 धन f5 धन f6 धन f7, जहां x1 पहले प्राप्तांक तथा f1 उस प्राप्तांक की बारंबारता को बता रहा है और इसी प्रकार आगे भी निरूपण दिया गया है, बराबर समेशन fixi बटे समेशन fi। मान रखने पर 1341 बटे 35, यानी कि x बार का मान आएगा 38.31। कक्षा नवमी की अर्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के गणित विषय का औसत प्राप्तांक 38.31 है। अब हम उन आंकड़ों के समांतर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें आंकड़ों की पुनरावृत्ति तो हो रही है पर आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक है। तब हम उन आंकड़ों को समूह में बांटकर समांतर माध्य की गणना करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से सीखें। उदाहरण एक, एक गाँव के माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। उन विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरियां किलोमीटर में नीचे दी गई है। इन आंकड़ों से औसत दूरी ज्ञात कीजिए। हल, दिए गए आंकड़ों में हम देखते हैं कि कई आंकड़े बहुत बार आए हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी 19 है। इन आंकड़ों को हमें समूहों में बांटना होगा जिससे गणना आसान हो जाए। आंकड़ों को 4 अंतराल वाले समूहों में बांटते हैं, जिसे 0 से 4 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 42, 4 से 8 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है, इत्यादि। इसी तरह से हम 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 अंतराल में छात्र की संख्या पता करते हैं। विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में 0 से 4 किलोमीटर, 4 से 8 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर और 12 से 16 किलोमीटर और अंत में 16 से 20 किलोमीटर। विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम f से लेंगे।
विद्यार्थियों की संख्या हमारी 0 से 4 किलोमीटर में 42 है, उसी तरह से 4 से 8 किलोमीटर में 24 है, 8 से 12 किलोमीटर के लिए 19 है, 12 से 16 किलोमीटर के लिए 9 है और 16 से 20 किलोमीटर के लिए 6 है। माध्यमान x जो है वो हम निकालते हैं, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 × 0 = 4/2 बराबर हमारे पास माध्यमान जो है 2 आएगा। उसी तरह से 4 और 8 का योग 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। उसी तरह से 8 और 12 = 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10, 12 और 16 का योग 28, 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 और 16 और 20 का योग 36, 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18। अब विद्यार्थियों की संख्या हमने f ली है और माध्यमान जो है हमारा, माध्यमान जो है x है। अब यहाँ पे fx का गुणा करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को माध्यमान से गुणा करेंगे, 42 को 2 से गुणा करें तो हमें 84 प्राप्त होता है। उसी तरह से 24 का को 6 से गुणा करेंगे तो 144 प्राप्त होता है और 19 को 10 से गुणा करेंगे तो 190, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 126 और अंत में 16 को 18 से गुणा करेंगे तो 108। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का योग जो है वह सिग्मा एफ आई, जो कि कुल इसका योग है 100 और फिर यहाँ पे एफ एक्स का जो योग है उसे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई से प्रदर्शित करेंगे, जो कि इसका योग जो हो जाएगा वह है 652। ऊपर हमने अंतरालों का मध्यमान, अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग करके निकाला है। अब हम मध्यमान और विद्यार्थियों की संख्या को के गुणनफल को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर औसत पता कर सकते हैं। हम जानते हैं औसत बराबर विद्यार्थियों की संख्या व मध्यमान के गुणनफलों का जोड़ बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 84 + 144 + 190 + 126 + 108 बटा विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 100 बराबर 84 + 144 + 190 + 126 + 108 का योग 652 बटा 100 और इसका मान 6.52 किलोमीटर। इस तरह से हमने औसत ज्ञात किया। औसत को हम एक ऐसी संख्या के रूप में देख सकते हैं जो आंकड़ों के पूरे समूह का एक गुण बताती है। जाहिर है यह सबसे कम मान से अधिक तथा सबसे अधिक मान से कम होती है और इन आंकड़ों के बीच में ही होती है। इसे अंकगणितीय औसत कहते हैं।